नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड मॉर्निंग सर। सुरेंद्र अंदर आओ। यस सर, अभी आया। मैं कम इन सर। कम इन। यस सर। विद्या कहाँ है? सर विद्या तो आज नहीं आई है। क्यों नहीं आई? सर उसका फोन आया था कि आज पहला नवरात्रा है और उसके घर पर पूजा है, इसलिए वो नहीं आएगी, और अगर आएगी भी तो लेट आएगी। तो उसे कह दो कि आने की जरूरत भी क्या है। एक क्या नौ नौ दिन तक बैठो और नवरात्र मनाओ। नवरात्र मना रहे हैं? अरे मैं तो ये कहता हूँ कि लोगों को हो क्या गया है, हाँ? ऑफिस में इतना इम्पोर्टेंट काम पड़ा है और वो नवरात्र मना रहे हैं। जाओ जाओ, जाकर मास्टर जी को बुलाओ। यस सर। भैया वो कल जो डिजाइन आई थी वो विद्या की फाइल में है और वो फाइल खुल नहीं रही। विद्या भी नहीं आई, अब क्या करें? क्या करें, कर भी क्या सकते हैं, सब चौपट हो जाएगा। अगर डिजाइन टाइम पर नहीं पहुंचे तो ऑर्डर हाथ से निकल जाएगा। मेरी समझ में ये नहीं आता कि इतना इंपॉर्टेंट काम छोड़कर लोग पूजा पाठ को इतनी अहमियत क्यों देते हैं। देखो राजे ने, काम करो, कुछ भी करो, कुछ भी करो, विद्या को कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करो, उसे फोन करो, उसके घर पर आदमी भेजो, पर विद्या को यहाँ बुलाओ। राजन आज विद्या का यहाँ होना बहुत जरूरी है। जी भैया। जयंत पर तो आपत्तियों का पहाड़ ही टूटता जा रहा है माते। आज यदि विद्या कार्यालय नहीं पहुंची तो जयंत को बहुत भारी नुकसान होगा। अच्छा ही है, ऐसे व्यक्ति का नुकसान होना ही चाहिए जो माता का तिरस्कार करता। मुनि श्रेष्ठ, जयंत भले ही मेरी भक्ति नहीं करता, वो मुझ पर विश्वास नहीं रखता, परंतु उसका पूरा परिवार मेरा ही गुणगान करता है। विद्या अगर ऑफिस नहीं आई तो क्या हुआ? विद्या को बुलाना मेरे लिए कौन सा मुश्किल कार्य है। नारायण नारायण। अब जाकर हुई आपकी गुड मॉर्निंग।
सॉरी सर, आज वो आज वो नवरात्र थे ना, तो आप पूजा कर रही थी। मुझे एक बात बताओ कि पूजा इतनी जरूरी है कि उसके सामने ऑफिस का कोई काम इम्पोर्टेंस नहीं रखता? इम्पोर्टेंट है सर, मेरे रहते ऑफिस का कोई काम नहीं रुकेगा। बस बस ये डींगे मारना छोड़ो और वो सारे डिजाइन लेकर आओ जो तैयार है। यस सर। पेपर सर। और हाँ, मास्टर जी आ गए हो तो उनको अंदर भेज दो। यस सर। सर आपने बुलाया सर। अरे आइए मास्टर जी, आइए बैठिए। मास्टर जी ये कुछ डिजाइन है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। मास्टर जी ये डिजाइन्स हैं और आप इतना ध्यान रखिए कि कल दोपहर के पहले इस डिजाइन्स के सैंपल्स तैयार हो जाने चाहिए। ठीक है सर। और हाँ मास्टर जी, देखिए कोई गलती ना हो, क्योंकि ये हमारे नए क्लाइंट्स हैं और ऐसा ना हो कि पहले ही कंसाइनमेंट में हमारी गुडविल खराब हो जाए। आप चिंता मत कीजिए सर, कोई गलती नहीं होगी। ठीक है सर, मैं चलता हूँ। यप, थैंक्स। ओके। विद्या। यस सर। मैंने सारे डिजाइन्स मास्टर जी को दे दिए हैं और ये पेपर संभाल कर रखना, मुझे कल चाहिए। ठीक है सर, मैं इसे अपने ड्रॉवर में रख देती हूँ। आप तो इतनी ज्यादा मगन हो जाती हैं अपने आप में कि आपको ये भी पता नहीं चलता आपका पति कब आया। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आऊंगी। भागने के चक्कर में मत रहा करो। कांटे लगे हैं क्या मुझ में? पास आया करो। बैठो बैठो, पानी हमने पी लिया। क्या बात है, अच्छा बड़े खुश नजर आ रहे हैं। हाँ, खुश तो हैं और आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। एक्चुअली हमारे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना हम और हमारी ये ब्यूटीफुल लुकिंग वाइफ कहीं घूमने चलें, छुट्टी मनाने। रहने दीजिए, आप सिर्फ बातें बनाना जानते हैं, जब ले जाने की बारी आएगी तो कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देंगे आप। ऐसा नहीं है भाई, आप दूर बहुत भागती हैं हमसे यहाँ आइए। देखिए हम तो बस माता रानी से ये प्रार्थना करते हैं कि किसी तरह ये डील हमारे फेवर में हो जाए। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल गया ना तो समझो मजा आ जाएगा। जब आप माता रानी को इतना ही मानते हैं तो फिर शंका किस बात की, समझो ये डील फाइनल हो गई। तो फिर आप भी एक बात समझ लीजिए कि आने वाला एक महीना ज्यादा हो जाएगा, 15 दिन आप और आपका पति एक कमरे में बंद होने वाले हैं। कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा।
तुम्हें नींद नहीं आती है? आपको पापा बुला रहे हैं। पापा बुला रहे हैं। चलो पापा बुला रहे हैं, आओ चलिए।